सो हेलो हाय नमस्कार आदाब, शुरू हो चुका है आज का गुड मॉर्निंग बनारस का सफर आप ही के साए सना सलीम के साथ ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। जी हाँ, 7:45 राइट इन द स्टूडियो क्लॉक। डेट है आज 26 जून और दिन है आज रविवार का। देखिए, संडे का दिन ना नो डाउट फंडे का दिन तो होता है, बट फंडे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम निपटाने का दिन भी होता है जो हफ्ते भर हम नहीं कर पाते, है ना। वैसे संडे को हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिन्हें आज बस आराम करने की तलब होती है। वैसे उनमें से एक मैं भी हूँ। वेल, वर्किंग लेडीज के लिए आज का दिन और हेक्टिक हो जाता है यार, क्योंकि ऑफिस से तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन घर के कामों से नहीं। वैसे सैल्यूट है हर उस लेडी को जो घर संभालती है, क्योंकि घर का मैनेजमेंट सिर्फ एक औरत ही कर सकती है और बखूबी कर सकती है। उसके लिए तो कोई संडे नहीं। सो टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज आउट देयर, प्लीज आप काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना, खुद को पैम्पर करना ना भूलें। और आज का ये पहला ट्रैक आप सब ब्यूटिफुल लेडीज के लिए डेडिकेटेड है। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, आई विल बी राइट बैक, कीप लिसनिंग टू गुड मॉर्निंग बनारस सना के साथ। आज बढ़ाते हैं आज के शो को आगे और देखते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था खास। 1906 में पहला ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग आयोजित किया गया था। 1948 में अमेरिकन राइटर शर्ली जैक्सन की लघु कहानी द लॉटरी द न्यूयॉर्कर पत्रिका में प्रकाशित हुई। आज के दिन 1838 में बंगाली नॉवलिस्ट बंकिम चंद्र चैटर्जी, 1888 में मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म हुआ था। 1961 में प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री ढुंडवेकर और 2004 में मशहूर भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। और आज के दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। तो ये तो हो गई बातें अपनी इंडियन हिस्ट्री की, अब बात की जाए देश और दुनिया की। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म पठान का पोस्टर रिलीज कर दिया है। अपने करियर के 30 साल पूरे करने के मौके पर शाहरुख खान ने शेयर किया और लिखा कि 30 वर्षों की गिनती नहीं है, क्योंकि आपका प्यार और मुस्कान बेशुमार है। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी, तो जरूर से देखने जाइएगा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने सैटरडे को देश के सबसे बड़े पुल पद्मा का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि ये पुल सिर्फ ईंट, सीमेंट, लोहा और कंक्रीट नहीं है, बल्कि ये पुल हमारा गौरव है, हमारी क्षमता, ताकत और गरिमा का प्रतीक है। भारत ने बधाई देते हुए कहा कि ये पुल भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले लॉजिस्टिक्स और बिजनेस को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने शुक्रवार को मनोरंजन उद्योग यानी फिल्म, टीवी रियलिटी शोज, OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में चाइल्ड एक्टर्स को हर 3 घंटे में ब्रेक देना होगा और उनसे 6 घंटे से अधिक और शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम लेने की मनाही होगी। इसके अलावा 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमिटीज को पत्र लिखा कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, सादी दाल, लो फैट दूध जैसी पौष्टिक चीजें ही दी जाएं, जिससे 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इस बार 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने आने की उम्मीद जताई है। ये रहा देश और दुनिया का हाल। अब थोड़ा हाल ले लिया जाए मार्केट का भी, तो बता दूं आपको कि आज गोल्ड का प्राइस रहेगा 50,603 पर 10 ग्राम्स एंड सिल्वर रेट्स वुड बी 59,755 पर KG। बाकी मौसम का मिजाज बताऊंगी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हां जी, वेलकम बैक। तो अब बात हो जाए मौसम की। हालांकि मॉनसून ने तो दस्तक दे दी है, पर यार इस उमस से अभी भी छुटकारा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड इश्यूज काफी बढ़ रहे हैं। बट एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी, या कह लीजिए स्किन केयर रेजिमेन, जिससे आपको पार्लर्स में जाके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि फेस रिलेटेड इश्यूज हैं अगर आपको, तो देखिए उसके लिए क्लींजिंग बहुत जरूरी है। आप किसी अच्छे हाइड्रेटिंग क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नेचुरल
क्लींजर यानी मिल्क ऑलिव ऑयल का यूज भी कर सकती है। और कम से कम दो बार चेहरे की क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफी इफेक्टिव होगा। इसके अलावा टोनिंग करना भी बहुत जरूरी है स्किन के लिए, तो उसके लिए अल्कोहल फ्री टोनर बेस्ट है और इजिली मिल भी जाएगा आपको मार्केट में। इसके अलावा रोज वाटर को भी आप टोनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। यह आपकी स्किन का पीएच लेवल भी मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजिंग, जो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद प्लीज डू हाइड्रेट योर स्किन। इसके लिए लिक्विड डाइट में आप शामिल करें कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस और सबसे ज्यादा तो पानी। एंड लास्टली, अगर आप पार्टी वगैरह में जा रही हैं या जाने का प्लान कर रही हैं, तो वापस आने के बाद ना मेकअप रिमूव करना एकदम ना भूलें। तो बस ये सब टिप्स फॉलो करिए, देखिएगा क्या ग्लोई सॉफ्ट स्मूथ स्किन हो जाएगी आपकी। अब ट्रैफिक का हालचाल बता दूं आपको कि आज शहर में अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है आपको, क्योंकि आज संडे है। वैसे आज संडे है तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करिए। लॉकडाउन में क्या गजब के हिडन टैलेंट सामने आए हैं भैया, तो आज अपनी मम्मियों और वाइफ्स के साथ कोऑपरेट करके बना डालिए कुछ अच्छा टेस्टी डिलीशियस सा। वैसे बारिश में घर वालों के साथ बैठ के पकौड़े और चाय पीने का पीना यार अलग ही आनंद आता है। अगर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो अच्छे से हाइजीनिक प्लेस पर ही जाइएगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स इस सीजन में खाना थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको। और वैसे खाने पीने की बात सुनते ही यार, अभी फिलहाल मेरे दिल से ना कुछ ऐसी आवाज आ रही है, ये सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा ना। सेम है, तो चलिए अब आप भी इंजॉय करिए संडे को, और अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, तो आप ही के साथ सना सलीम को इजाजत दीजिए। मिलती हूँ जल्द दुआओं में याद, और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे।